अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बनाएंगे खोपरे की चटनी। आज हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, बिना ऑयल के आज हम रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कटोरी खोपरा लिया है और हमने यहाँ पर दो बैंगन लिया है, एक बड़ी वाली प्याज, दो लहसुन की कलियाँ और दो सूखी मिर्च। इमली को हमने भीगने के लिए रख लिया है। देखिए, खोपरे को हम भून लेंगे, ब्राउन होने तक हम खोपरे को भून लेंगे। देखिए, इस तरह से हल्के से खोपरा हमारा ब्राउन हो रहा है। खोपरा हमारा भून चुका है। अब हम यहाँ पर बैंगन को भून लेंगे। खोपरे की चटनी में बैंगन भून के डालने से बहुत टेस्टी लगती है। दो बैंगन हमने यहाँ पर, छोटे रहने से हमने यहाँ पर दो लिया है, अगर बड़ा रहा तो आप एक ले लें। इस तरह से उलट पलट कर बैंगन को हम भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने भून लिया है बैंगन को। सूखी मिर्च भी हम भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद हम अलग से रख लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे पहले खोपरा। खोपरा डालकर सूखी मिर्च भी इसी तरह हम डाल देंगे। लहसुन डालेंगे। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, फिर हम डालेंगे बैंगन, भुने हुए बैंगन और इमली। जो बचा हुआ पानी है इमली का, उसी को डालकर हमने ग्राइंड कर लिया है। और फिर लास्ट में हम डालेंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा बारीक ना करें और थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, नमक थोड़ा कम था तो फिर से मैंने यहाँ पर नमक डाला है। ऑयल का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है हमने। आप चाहे तो इसके ऊपर बघार भी डाल सकते हो। राई और करी पत्ता डालकर ऑयल में इसके ऊपर बघार भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ ऑयल। ये देखिए, चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने चावल, सादे चावल लिया है और खबाब मैंने यहाँ पर फ्राई किया है। इसके साथ आप घी भी ले सकते हो। चावल में घी डालकर, चटनी डालकर खाएंगे तो बहुत मज़ेदार रहेगा और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। आप अपने घर में ट्राई कीजिए। प्याज को बारीक ना करें, चटनी में मोटा मोटा रखें। देखिए, अल्लाह हाफिज़।